हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएमएस फूड मेकर में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार और चटपटी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है चटपटे चने। अक्सर हम बाहर घूमने जाते हैं तो वही चने हम खरीद के खाते हैं। आज मैं वही चने आपके साथ घर में बना के शेयर करने जा रही हूँ। इस चने की एक ख़ास बात और है, अक्सर बीमारी के बाद हम कुछ खा नहीं पाते हैं, हमारे मुंह का टेस्ट ही बिगड़ जाता है, तो तब ये चने बनाकर खाने से मुंह में एक अलग ही स्वाद लाता है, एक अच्छा टेस्ट ला देता है। तो फ्रेंड्स, चटपटे चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है खीरा, बारीक कटे हुए खीरा भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, हरी मिर्च, बॉईल किया हुआ आलू, टमाटर, नींबू, पुदीने के पत्ते मैंने गार्निश के लिए लिया है, अदरक ले लिया है, नींबू ले लिया है, एक टमाटर स्लाइस करके काट लिया है, एक प्याज छोटा साइज ले लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है, बंगाली में हम इसे झुड़ी भाजा कहते हैं, तो मैंने ये ले लिया है, और लिया है मूंगफली, भुने हुए मूंगफली, ये भी हेल्दी होता है। और मैंने यहाँ पर कच्चे चने ले लिए। चने को एक रात पहले ही भिगो के मैंने रख दिया था ताकि अंकुरित हो जाए, तो ये देखिए अंकुरित हो गया है। तो ये अंकुरित चने हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, बहुत ही हेल्दी होता है। ये साधारण चने के तुलना में ये बहुत ही हेल्थफुल रहता है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है नमक, जीरा और हाजमोला का पेस्ट बना लिया है पीस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है, अब एक एक करके मैं जो कुछ भी लिया है वो सारे बोल में डाल लूँगी। पहले खीरा, हरी मिर्च, बॉईल किया हुआ आलू, बारीक कटे हुए अदरक, प्याज, टमाटर, इन सभी को मैं एक बोल में डाल लूँगी। अब मैंने अंकुरित छोले ले लिया है, वो भी एक साथ ही डाल दूँगी। अब भुने हुए बादाम, मूंगफली डाल दूंगी, और अब नमक, जीरा और हाजमोला का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर नींबू का रस निचोड़ दूंगी। मैंने यहाँ पर एक नींबू लिया है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नींबू निचोड़ ले रही हूँ। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स्ड करने रहा है ताकि मसाले अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो जाए। आप भी ऐसे कीजिए, अच्छे से मिक्स्ड करना है। मिक्स्ड करते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आने वाला, बहुत ही चटपटे और मज़ेदार। अभी मन कर रहा है कि चटकारा लेकर खा जाओ, बहुत ही चटपटे। तो अब मैं यहाँ पर झुड़ी भाजा डाल दूँगी, थोड़ा सा बचा कर रखूँगी गार्निश के लिए। झुड़ी भाजा डालने से
इस चने के स्वाद दुगना हो जाता है, एक क्रिस्पीनेस आ जाता है चटपटे चने में। तो देखिए बस रेडी हो गया है मेरे चटपटे चने। अब एक बोल में मैं इस चने को साफ कर लूँगी। अब जो टमाटर, नींबू और पुदीने के पत्ते मैंने रखे थे उन सभी को मैं गार्निश के लिए एक एक करके चने में सजा दूंगी ताकि दिखने में अच्छे लगे। और लास्ट में थोड़ा सा झूरी भाजा ऊपर से डाल दूंगी। तो बस रेडी हो गया है मेरे चटपटे चने। तो दोस्तों आप भी अपने घरों में ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।